हेलो गाइस, वेलकम बैक टू हेवनली बॉन्ड। आज बेबी फूड में हम बनाने वाले हैं आलू के पराठे। आलू के पराठों में अक्सर लोगों को प्रॉब्लम हो जाती है कि वो फट जाते हैं या सही से नहीं बन पाते हैं, तो ये एक परफेक्ट रेसिपी है। हम आपको बताएंगे कि आप कैसे बच्चों के लिए बहुत ही अच्छे आलू के पराठे बना सकते हैं बिना फटे, और बच्चे बहुत मन से खाएंगे। प्लस इसमें हेल्दी बेनिफिट्स भी हैं, अच्छे सारे और अच्छे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, बच्चों के लिए अच्छी एनर्जी भरपूर है। और इन केस आपकी ये शिकायत है कि बच्चों का वेट गेन नहीं हो रहा है, तो आलू के पराठे तो आप सब जानते हैं एक परफेक्ट रेसिपी है उसके लिए। तो रेसिपी को लास्ट तक फॉलो करिएगा और इस तरह से आलू के पराठे बना के बच्चों को खिलाइए। आई एम श्योर उनको बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है, साथ में आप भी इसके मज़े लीजिएगा जब बच्चों के लिए आप इसको बनाते हैं। और हमारे चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। आपके बच्चों से रिलेटेड, आपसे रिलेटेड हम बहुत अच्छे वीडियोज़ लाते रहते हैं। आइए इस पराठे के इंग्रेडिएंट्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमने एक कटोरी व्हीट फ्लोर यानी कि आटा लिया है, दो उबले आलू को हमने पील करके और उसको ग्रेट कर लिया है, घिस लिया है, थोड़े हरी धनिया के पत्ते, थोड़ा बटर, आटा सानने के लिए हल्का ल्यूक वार्म पानी, साथ में है 1 टीस्पून जीरा पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, और एक चुटकी काली मिर्च पाउडर। इन केस आप बच्चों को काली मिर्च पाउडर नहीं देते हैं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। चलिए आइए बहुत बेहतरीन से आलू के पराठे बच्चों के लिए बना लेते हैं। सबसे पहले एक बोल में आलू ऐड कर लेंगे और उसमें डाल लेंगे काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर और थोड़ा नमक। थोड़ा नमक बचा लेना है आटे में डालने के लिए, और साथ में ऐड कर देंगे थोड़े धनिया के पत्ते। इन सभी को आपस में अच्छे से हमें मिक्स कर लेना है। ये सारे आलू के कंटेंट को हमने फिलिंग रेडी कर ली है और साथ में मिक्स कर लिया है। अब हम ले लेंगे एक बड़ा बोल और उसमें ऐड कर देंगे आटा और साथ में नमक। नमक को आटे में अच्छे से मिक्स कर लेना है। इसके बाद हल्का गुनगुना पानी इसमें ऐड करते हुए हमें आटे को सान लेना है। ये ध्यान रहे आटा टाइट नहीं होना चाहिए, हल्का गीला आटा हमें सानना है जिससे कि परफेक्ट पराठे बनेंगे। ये डो रेडी हो गया है पराठे के लिए। चलिए आइए पराठे बना लेते हैं। एक साइड पे हमने पैन रख दिया है अच्छा हीट होने के लिए। अब आटा जो हमने सान के रखा है उससे हमें ऐसे इतने बड़े बड़े पेड़े बना लेने हैं, ऐसे इस साइज़ के हमें पेड़े बना लेने हैं। जितना आटा हमने लिया था उससे 4 पराठे आराम से बन जाएंगे। अब हमें एक पेड़ा लेना है और उसको हम कर लेंगे प्रेस, और उसकी हम थोड़ा एक्स्ट्रा आटा डाल लेते हैं क्योंकि आटा गीला है तो वो ज़्यादा स्टिकी ना रहे। अब एक पोटली टाइप की हम बना लेंगे और इसमें हम आलू की फिलिंग ऐड कर लेंगे। जब आटा गीला होता है तो आप चाहे जितनी भी फिलिंग ऐड कर लीजिए, कभी भी पराठे फटते नहीं हैं। यहाँ अराउंड 2 चम्मच आलू की फिलिंग हमने इसमें ऐड की है। अब इसको हम बंद कर लेते हैं। अब एक्स्ट्रा आटा लगा करके रोलिंग पिन के सहारे इसको हम हल्के हाथों से बेलेंगे। तवा अच्छा हीट हो गया है, इस पर अब हम पराठा ऐड, और जब आप पहले पराठे को डालें तब आप फ्लेम को तेज रखें। अब एक साइड से हो गया, इसको फ्लिप कर देते हैं और इस पर हम ऐड कर देंगे बटर। जैसे ही बटर मेल्ट होने लगे उसको सब तरफ अच्छे से ब्रश कर देना है। अब हम इसको वापस से फ्लिप कर देते हैं और अब फ्लेम को धीमा करना है जब हमने बटर लगा दिया है। तब अब इस साइड भी बटर ऐड कर देंगे। इधर भी जब बटर मेल्ट होने लगे उसको सब तरफ स्प्रेड कर दीजिए। अच्छे से प्रेस कर कर के आप इसको सेक लीजिए। बहुत ही अच्छा और बेहतरीन पराठा बनके रेडी हो रहा है। आई एम श्योर बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है। देखिए एक साइड से अच्छा सेक गया है, अब इसको इस साइड से भी अच्छा प्रेस कर कर के अच्छे से सेक लीजिए। आई एम श्योर आपको ये बहुत ही हेल्दी से पराठे की रेसिपी बहुत अच्छी लगी हो। हमने यहाँ पे बटर यूज़ किया है, आप चाहें तो आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमारे पराठे दोनों ही तरफ से बहुत अच्छे सेक गए हैं और रेडी हो गए हैं। आइए इसको प्लेट कर लेते हैं और बच्चों को खिलाइए और
अपने अनुभव, आपको ये रेसिपी कैसी लगी बच्चों को हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में शेयर करिएगा।